मुजफ्फरपुर जिले के सभी जगह में मोहम्मद साहब का जन्मदिन मिलाद उन नबी मनाया गया। वहीं अधिकारी डीएसपी राकेश कुमार रंजन और सभी थानेदार कड़ी नजर रखे हुए थे और सभी प्रशासन भी जुलूस में रहे। सुरक्षा को लेकर भी काफी कड़े इंतजाम। मुजफ्फरपुर जिले के सभी जगहों में मोहम्मद साहब का जन्मदिन मिलाद उन नबी मनाया गया। उत्सव वहीं जिलाधिकारी डीएसपी राकेश कुमार और सभी थानेदार कड़ी नजर रखे हुए थे। सही सभी प्रशासन जुलूस पर रहे, सुरक्षा को लेकर नजर रखे हुए थे। वहीं प्रशासन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे ताकि कोई परिंदा भी पैर न मार सके। जगह जगह पेयजल की व्यवस्था भी थी आम जनता द्वारा ताकि कोई प्यासा न रह सके। ईदगाह होता है उत्सव मनाना और मिलाद का अर्थ होता है जन्म होना। अलाद मिलाद ईद मिलाद के रूप में मनाया जाने वाला दिन मिलाद उन नबी पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाता है। इस्लाम में बेहद महत्वपूर्ण ये दिन इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। हालांकि मोहम्मद साहब का जन्मदिन एक खुशहाल अवसर है, लेकिन मिलाद उन नबी शोक का भी दिन है क्योंकि रबीउल अव्वल के 12वें दिन ही पैगम्बर मोहम्मद साहब खुदा के पास वापस लौट गए थे। ये उत्सव मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी याद दिलाता है। मिलाद उन नबी इस्लाम के प्रमुख पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मोत्सव। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मोहम्मद साहब का जन्म सन 570 में सऊदी अरब में हुआ था। इस्लाम के ज्यादातर विद्वानों का मत है कि मोहम्मद का जन्म इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने के 12वें दिन हुआ। अपने जीवन काल के दौरान मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की जो अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित था। सन 632 पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कई मुसलमानों ने विविध अनौपचारिक उत्सवों के साथ उनके जीवन और उनके शिक्षाओं का भी जश्न मनाना शुरू किया। नहीं किया।